गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुज सर, योर साइंस टीचर। आज हम आप लोगों को क्लास फोर्थ जो फर्स्ट लेसन है एडाप्टेशन इन एनिमल्स, जिसका चौथा वीडियो आप लोगों को सामने जो भेज रहे हैं, पार्ट फोर फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, यानी फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी भोजन की जो आदत होती है एनिमल्स की, और कैसे होती है जो एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट क्या होती है, जिसमें आपके बुक में पेज नंबर 10 भी दिया गया है। फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स, जैसे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट, जो डिफरेंट प्रकार के जो जंतु होते हैं सबकी जो फीडिंग हैबिट होती है सबकी क्या होती है अलग अलग, यानी भोजन लेने का जो तरीका होता है वो सबका क्या होता है अलग अलग। सम इंसेक्ट, जैसे कुछ इंसेक्ट है हमारे लाइक जैसे मॉस्किटो है, बग है, लीच है, ईटीसी है, सकिंग ट्यूब, इसमें क्या पाया जाता है, एक सकिंग ट्यूब होती है जिसकी सहायता से क्या करते हैं भोजन लेते हैं, और उनका भोजन क्या होता है ब्लड, क्या होता है ब्लड, यानी अपना भोजन रूप में क्या सक करते हैं ब्लड को। दे सक फूड, क्वेश्चन में दिया गया ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, किसके बॉडीज लेते हैं एनिमल्स की बॉडीज, क्या करते हैं ब्लड को सक करते हैं। बटरफ्लाई हैज ए लॉन्ग सकिंग ट्यूब, जो बटरफ्लाई होती है जो तितली होती है इसमें एक लंबी सकिंग ट्यूब होती है। इट सक फूड, ये अपना भोजन किससे सक करती है फ्लावर से, यानी फ्लावर से क्या लेती है नेक्टर, नेक्टर हमारा क्या होता है एक स्वीट जूस होता है, मीठा रस होता है, जिसको क्या करती है अपनी लॉन्ग सकिंग ट्यूब से क्या करती है सक करती है भोजन के रूप में। सम बिग एनिमल्स, जो बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं जो लाइक से दिया गया काऊ है, बफेलो है, इटीसी यानी गाय भैंस, इटीसी इत्यादि और भी एनिमल्स हैं, सेलो देयर फूड्स विदाउट चीविंग इट, ये अपने भोजन को ये अपने फूड को बिना चबाए हुए क्या करते हैं निगल जाते हैं, क्या करते हैं निगल जाते हैं। दीज एनिमल्स च्यू द कर्ड, ये जो एनिमल्स होते हैं ये सब एनिमल्स क्या कहते हैं च्यू द कर्ड, सो दे आर कर्ड कर्ड चीविंग एनिमल्स, जिसको क्या बोलते हैं कर्ड चीविंग एनिमल्स भी बोलते हैं। दे ब्रिंग दिस फूड बैक इनटू देयर माउथ एंड देन च्यू इट वेल, फिर इसके बाद जो निगल जाते हैं भोजन, फिर इसके बाद यही भोजन ये दोबारा फिर से ब्रिंग बैक होके कहां आता है उसके माउथ में, इसलिए चीविंग के लिए, इसलिए आता है चीविंग के लिए चबाने के लिए। सम स्मॉल एनिमल्स, जैसे कुछ हमारे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे जो जंतु होते हैं लाइक से स्पाइरल है, गिलहरी है, रैट जो चूहा होता है, एंड रैबिट्स, निबल देयर फूड, ये हमारे भोजन कैसे खाते हैं कुतर कर, क्या भोजन कैसे करते हैं कुतर कर, यानी फ्रूट एंड सीड्स, जो हमारे फल और जो सीड होते हैं ये सब जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसको भोजन कैसे खाते हैं कुतर कर खाते हैं, इसलिए इस एनिमल्स को दे आर कॉल्ड ग्नोविंग एनिमल्स, जिसको क्या बोलते हैं ग्नोविंग एनिमल्स भी कहते हैं। सब एनिमल्स लाइक से मारा दिया है वोल्फ, टाइगर, लायन, ईटीसी, जो भेड़िया होता है, एंड टाइगर, चीटा, लायन जो शेर होते हैं, ईटीसी, टियर द फ्लैश, ये अपने किसी एनिमल्स के जो मांस होता है उसको टियर यानी चीड़ फाड़ कर खाते हैं। दे च्यू द मीट एंड बोन्स, ये क्या करते हैं उसके मांस को उसकी हड्डियों को चबा के खा जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक से फ्रॉग है, स्नेक है, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स, सेलो देयर फूड्स विदाउट चीविंग, जैसे कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे हैं जैसे हमारा दिया है फ्रॉग, स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स, सेलो देयर फूड्स विदाउट चीविंग, ये भोजन क्या करते हैं निगल जाते हैं बिना चबाए हुए, बिना चबाए हुए भोजन क्या करते हैं निगल जाते हैं। अब एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एडाप्टेशन, यानी अनुकूलन अपने आप फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जिसमें दिया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, ये हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी किसी भी एनिमल्स को अपने आप को बचाने के लिए एडाप्टेशन, अपने आप को जीवित रहने के लिए प्रोटेक्टर प्रोटेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स, ये हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फॉर देयर एनवायरनमेंट, अपने शत्रुओं से, अपने शत्रुओं से अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या प्रोटेक्शन, क्या होता है प्रोटेक्शन यानी बचाव, एंड लाइफ लॉन्ग अपने जीवन को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। देयर आर मेनी वे, कई तरीकों से थ्रू विच द एनिमल्स कैन सेव देमसेल्फ, कई तरीके से जो एनिमल्स होते हैं जो जंतु होते हैं अपने आप को बचा सकते हैं। जो फॉलोइंग जो टर्म दिया गया है फर्स्ट पॉइंट इसमें है सम एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव आर रन वेरी फास्ट, जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह क्या करते हैं मूव करते हैं, गति करते हैं, रन दौड़ते हैं बहुत तेजी से, इन द ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, अपने शत्रुओं से बचने के लिए, अपने शत्रुओं से बचने के लिए उनके अंदर इतनी एबिलिटी क्षमता होती है कि इतनी तेज से दौड़ते हैं कि अपने शत्रु से क्या हो सकते हैं बच सकते हैं। जैसे यह फिश है, रैबिट है, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, डियर, इटीसी,
प्रोटेक्ट देम सेल्फ बाई फ्लाइंग एंड रनिंग फास्ट, ये अपने आप को बचा सकते हैं कैसे, देम सेल्फ बाई फ्लाइंग उड़कर या तो रनिंग फास्ट जिसमें हमारा बटरफ्लाई है, ये सब क्या होते हैं उड़ जाते हैं, एंड सिर्फ डियर है रैबिट्स है ये सब क्या करते हैं रन फास्ट एंड तेज दौड़ कर अपने आपको क्या करते हैं अपने शत्रु से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टर्टल एंड क्रैब हैव द हार्ड सेल दैट प्रोटेक्ट देयर शार्प बॉडी, जो टर्टल होता है जो कछुआ होता है एंड क्रैब जो केकड़ा होता है, हैव द हार्ड सेल उसकी बॉडी क्या होती है हार्ड कवरिंग होती है सेल्स जो प्रोटेक्ट देयर शार्प बॉडी, अपने उसकी बॉडी जो उसकी बॉडी क्या होती है शार्प होती है लेकिन उसकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग होती है वह हार्ड सेल की बनी होती है जिससे उसका शार्प बॉडी जो होता है वह सुरक्षित रहता है। थर्ड पॉइंट है पोर्क्यूपिंस हैव द शार्प क्यूएस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर इनवाइट, जो पोर्क्यूपिन जो शाही होता है शाही की बॉडी क्या होते हैं कांटे निकले होते हैं जिससे अपने बॉडी को अपने इनवाइट यानी शत्रु से क्या करता है बचाता है प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, कुछ एनिमल्स जैसे हमारा सच एज क्रोकोडाइल्स है फ्रॉग है एंड लिजर्ड्स कैन नॉट लाइव इन स्टीम पूल, ये अपने आप को स्टीम पूल यानी अत्यधिक ठंडी में अपने आप को अडाप्ट नहीं कर सकते हैं, सो इन द ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड दे गो डीप इनसाइड द लैंड्स फॉर स्लीपिंग इन द विंटर, इसलिए अपने आप को ठंडे प्रदेश में तो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या करते हैं गो डीप इनसाइड द लैंड्स या लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे यानी पृथ्वी के इनसाइड स्लीपिंग इन विंटर यानी ठंडी के मौसम क्या होते हैं मिट्टी के अंदर जाके क्या करते हैं आराम करते हैं सोते हैं, इसलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं हिबरनेशन, हिबरनेटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हिबरनेशन। अभी स्पेशल एडाप्टेशन क्या होता है जो विशेष प्रकार का जो अनुकूलन होता है नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्पेशल एडाप्टेशन, स्पेशल एडाप्टेशन सम एनिमल्स हैव लर्न टू मर्ज टू हार्मनाइज द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनकी जो मर्जिंग प्रॉपर्टी होती है यानी कलर चेंज करना ऑफ देयर सराउंडिंग यानी अपने आस पास का जो वातावरण होता है उसके अनुसार अपने बॉडी का कलर क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कैमिफ्लेज देमसेल्फ सो दे आर कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जिससे हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिस समय जिससे हमारा जो कैमिलियन होता है जिसको ग्रीडार्क बोलते हैं वो हमारे पेड़ पे बरसात के मौसम पे जो हरियाली होती है हरे रंग का जो उसका बॉडी का जो कवरिंग होता है चेंज होता है जिसकी सहायता से अगर हमको गार्डन में जो कैमिलियन होता है सही तरीके से क्लियर सीन उसका सही तरीके से साफ साफ दिखाई नहीं देता, इसमें दिया दिस हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, जिसकी सहायता से यानी मर्जिंग प्रॉपर्टी यानी कलर को चेंज करना अपने बॉडी का जो कलर होता है वो चेंज करते हैं सराउंडिंग यानी उसके आसपास जितने एरिया क्षेत्र है उसके अनुरूप अपने बॉडी का कलर क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं जिसकी सहायता से वो अपने आप को देम सेल्फ फ्रॉम देयर इन्वाजन शत्रुओं से क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं बचाते हैं, इसे दिया है कैमिफ्लेज माइग्रेशन एंड हिबरनेशन आर स्पेशल फॉर्म ऑफ एडाप्टेशन, ये स्पेशल फॉर्म होते हैं तीनों जो हमारे हैं कैमिफ्लेज माइग्रेशन एंड हिबरनेशन आर स्पेशल फॉर्म एडाप्टेशन, क्या एक विशेष फॉर्म अवस्थाएं होती हैं, ए फ्यू एनिमल्स यूज टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो तीनों कंडीशन को सर्वाइव करके अपने आप को क्या करते हैं बचाते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कैमिफ्लेज क्या होता है कैमिफ्लेज कैमिफ्लेज इज द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल्स टू चेंज इट्स कलर टू ब्लेंड्स आर मर्ज विद द सराउंडिंग, कैमिफ्लेज इज द एबिलिटी कैमिफ्लेज एक ऐसी क्षमता है एबिलिटी है ऑफ एन एनिमल्स की जंतु की टू चेंज इट्स कलर, वो अपना क्या करता है कलर चेंज करता है टू ब्लेंड या मर्ज इन सराउंडिंग यानी अपने आस पास की जितनी भी वातावरण है उसके अनुरूप में आपके बॉडी को क्या करता है अपना कलर क्या करता है चेंज करता है, मेकिंग इट हार्ड टू बी सीन स्पॉटेड, क्योंकि उसकी बॉडी क्या होता है हार्ड स्पॉटेड होते हैं धब्बे आ जाते हैं, द कैमिलियन जिसमें से हमारा जो मेन कैमिलियन एक कॉमन गार्डन लिजर्ड होता है चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू ट्री, ये किसके हिसाब से अपना कलर चेंज करता है ट्री के हिसाब से, बस एंड विच इट्स इट्स मेनी इंसेक्ट आर इटन बाई बर्ड्स, कुछ बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो किसके द्वारा इटन किए खा लिए जाते हैं बर्ड्स द्वारा चिड़ियों द्वारा, ग्रास ओपर आर ग्रीन इन कलर, जो ग्रास ओपर होता है किस कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है, लाइक द सराउंडिंग ग्रास इन विच दे आर फाउंड, उसके चारों तरफ जितने भी ग्रास होते हैं वो भी क्या होते हैं हरे रंग के होते हैं जिसकी सहायता से वो देख नहीं सकते हैं, स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक द स्टिक्स ऑफ द ट्री आर दे विच दे सीड्स, जो हमारा स्टिक इंसेक्ट होता है वो हमारे क्या होते हैं पेड़ की टहनियों जैसे होते हैं जिसकी सहायता से पेड़ में बैठे रहेंगे तो हमको दिखाई नहीं देते हैं, इट मेक डिफिकल्ट फॉर द अदर एनिमल टू स्पॉट देम, जिससे हम क्या करते हैं जो अदर एनिमल्स होते हैं अगर उसकी बॉडी भी स्पॉट नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं उसको देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइग्रेशन,
जो लास्ट पॉइंट है, सम एनिमल्स मूव इन द लार्ज नंबर फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू वार्म प्लेसेस इन सर्च फूड एंड शेल्टर, जिससे सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं यानी लार्ज नंबर में यानी अधिक संख्या में ग्रुप में ठंडे प्लेस से एंड वार्म प्लेस में, ठंडे स्थान से गर्म स्थान पे जाते हैं किसकी तलाश में, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर यानी भोजन की तलाश में, अपने वास स्थान की तलाश में। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन यानी स्थानांतरण कहते हैं। जिस तरीके से दिया है इसमें बर्ड्स है, जैसे बर्ड्स में लाइक एन साइबेरियन क्रेन, लाइक ए साइबेरियन क्रेन एंड आर्टिक टर्न आर और ग्यूस्ट, वो आर्टिक टर्न से क्या करते हैं और ग्यूस्ट, दे माइग्रेट एवरी विंटर, वो प्रत्येक ठंडी के मौसम में क्या करती है, माइग्रेट करती है, स्थानांतरण करती है, फ्लाइंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर थाउजेंड हजारों किलोमीटर उड़कर एंड ओवर लैंड एंड सी, ओवर लैंड एंड पृथ्वी एंड सी के ऊपर से उड़ते हुए टू रीच आवर कंट्री, हमारे देश में आती है। एंड सन वाटर एनिमल्स, कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं आल्सो माइग्रेट, वो भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। जैसे यूरोपियन ईल्स, यूरोपियन जो ईल्स होती है वो स्विम करके ऑल द वे इन द वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी भाग से ऑफ द अटलांटिक ओशियन टू ले देयर एग्स, अटलांटिक ओशियन तक आती है, किस लिए आती है, अंडे देने के लिए, किस लिए, अंडे देने के लिए। द बेबी ईल्स देन टेक थ्री इयर्स, जो उसकी बेबी ईल्स, जो हमारे ईल्स का जो बेबी होता है, अगर तीन साल हो जाने के बाद थ्री इयर्स टू स्विम बैक, फिर से वो स्विम बैक करके तैर के कहां जाता है, यूरोपियन रिवर्स में, फिर से कहां चला जाएगा, यूरोपियन रिवर्स में। सम मैमल्स आल्सो माइग्रेट, कुछ मैमल्स भी होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। जैसे दिया है हम बैक वेल्स, जो हम बैक वेल्स होती है फीड इन द पोलर ओशियन, या फीड यानी भोजन लेने के लिए कहां जाती है, पोलर ओशियन में, बट दे मूव टू द ट्रॉपिकल ओशियन इन ब्रीड, और ब्रीडिंग करने के लिए यानी फर्टिलाइज होने के लिए कहां जाती है, ट्रॉपिकल ओशियन, व्हेन द विंटर कम्स, फिर ठंडी के मौसम फिर से क्या होती है, वापस आ जाती है। अब इससे रिलेटेड जो बुक में आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस है एंड ट्रू फॉल्स है एंड मैच द फॉलोइंग, इसको आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करिए। ओके, थैंक्स।